राहुल गांधी भारत की राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। पहले सत्तारूढ़ दल में रहते हुए और फिर विपक्ष में रहते हुए उन्होंने आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाने का काम किया है। चार बार के चुने हुए इस देश के सांसद हैं, और जब चार बार का चुना हुआ इस देश का सांसद एक विदेशी धरती पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे विश्व विख्यात शैक्षिक संस्थान में अमेरिका और चीन के बीच चलते द्वंद में भारत की क्या अहम भूमिका हो सकती है और भारत के लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस देश का मान बढ़ाते हैं, इस देश का सीना चौड़ा करते हैं गर्व से, और इस देश के लोकतंत्र के, इस देश के मूल्यों के ध्वजवाहक बनते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, जिसकी एक बड़ी लेगेसी है, 1206 में स्थापित हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और वहां पर पढ़ने वाले लोगों में स्टीफन हॉकिंग और चार्ल्स डार्विन, पंडित नेहरू और राजीव जी जैसे लोग हैं। और यहां पर बताना जरूरी है कि ये राहुल जी का भी अल्मा माटर है, वो कैम्ब्रिज में पढ़े हैं, और वहां पर एज विजिटिंग फेलो एट द कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल जब वो वक्तव्य देते हैं कि भारत की